सोमवार को भारी गहमागहमी के बीच गिरियक जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी के रूप में रेणु सिन्हा ने राजगीर अनुमंडल पदाधिकारी अनीता सिन्हा को अपने नामांकन का पर्चा सौंपा। अपने समर्थकों के साथ रेणु सिन्हा अनुमंडल कार्यालय पहुंची, जहां पर्चा दाखिल करने के बाद उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर रेणु सिन्हा ने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा और रोजगार के साथ साथ क्षेत्र का विकास करना। इस अवसर पर रेणु सिन्हा के पति रंजीत कुमार का भी लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व प्रमुख सुनील कुमार, दुर्गापुर पैक्स अध्यक्ष संतोष कुमार, पुरैनी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अरविंद कुमार, दुर्गापुर पंचायत के मुखिया राकेश कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जिला परिषद सदस्य सामाजिक काम करेंगे, बुराई हटाने अच्छाई करेंगे। कब से बीच में है जनता? 5 साल पहले से। दूसरा बार मौका मिला? जी दूसरा बार मौका मिला है। दूसरा बार जब मौका मिला था किस तरह से जनता के दिल जीतेंगे? अच्छा प्यार से दिल जीतेंगे, सबको काम करके। क्या उम्मीद करते हैं जनता? जनता से उम्मीद करते हैं कि सब भाई बहन या हम लोग का सहमति मिले, एकता मिले। नामांकन हुआ? जी नामांकन हुआ। क्या नाम हुआ? जिला परिषद का सदस्य के लिए नामांकन अभी करवाए हैं गिरियक प्रखंड से। किस तरह से लोगों को दिखाएंगे? मुद्दा है आपका? मुद्दा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, कुछ भ्रष्टाचार है उसको दूर कर सके, लोगों को परेशानी को साथ दे, हम बेरोजगारी कुछ कम हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए रोजगार का जो है अवसर पैदा करेंगे।